बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 3 है हमारा, और द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो आपका कल्चर होता है, आपकी सकाफत होती है, सकाफती जो एनवायरनमेंट है आपका, इसका क्या असर होता है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। ठीक है, जब आप डीलिंग कर रहे हैं, दो मुल्क आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कल्चर का क्या रोल आता है। ठीक है, कल्चर कितना जो है वो वहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने में या घटाने में, इसके ऊपर आज हम जो है वो डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कल्चर का, आपकी जो सकाफत है उसका क्या रोल है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में। क्या इंटरनेशनल बिजनेस की जो ग्रोथ है, जो बढ़ना है, उसमें कल्चर को हमें कंसिडर करना चाहिए या हमें कल्चर को इग्नोर कर देना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, दूसरे मुल्कों में अपने कारोबार को स्प्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले हम कल्चर को समझ लेते हैं कि कल्चर होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे कल्चर को देखते हैं कि जी कल्चर क्या है। कल्चर बेसिकली जो है द वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड वर्क दैट कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ द गिवन सोसाइटी। कल्चर बेसिकली जो है, इसमें हम इकदार की बात करते हैं, हम यकीन की बात करते हैं, हम रिवायात की बात करते हैं, और हमारी जो ह्यूमन थॉट्स हैं, हमारे जो सोचे हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, और लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, ये सारी सारी चीज़ें मिलके जो है इज्तमाही तौर पे एक कल्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, आपको पता है हर इलाके के लोग जो है उनकी अपनी इकदार है, अपनी अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपने उनके एतमाद, अपने उनकी यकीन है, अपनी उनकी रिवायात हैं और अपनी उनकी सोचें हैं। ठीक है, और अपने तरीके से वो रहते हैं, अपने तरीके से वो काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, अब जब हम किसी दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों के जो जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ के लोगों का जो यकीन है, एतमाद है, जो रिवायात है, या जो जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है, क्या हमें इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, जब हम किसी दूसरे मुल्क के साथ कारोबार कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो ये तो कल्चर की डेफिनेशन हो गई है। अब कल्चर जो है उसकी बेसिकली आपके पास जो है 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन 6 के 6 एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते जी वो क्रॉस कल्चरल रिस्क। ठीक है, उसके बाद कल्चर की डायमेंशंस की बात होगी, उसके बाद कल्चर की लैंग्वेजेस की बात होगी, वहाँ पे जो मजहब है, रिलीजन है, उसकी बात होगी, और मॉडल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, कल्चरल जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, और मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस की बात की जाएगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कल्चर को समझने के बाद हम इस क्रॉस कल्चरल रिस्क के ऊपर जाते हैं। क्रॉस कल्चरल रिस्क क्या होता है, उसके लिए हमें एक जो है एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैकडोनल्ड है। ठीक है, अब मैकडोनल्ड जो है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है वो काम कर रहा है। क्या आपके ख्याल में कि जो मैकडोनल्ड की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हैं वही बाकी ममालिक में होनी चाहिए? जाहिर बात है नहीं, क्योंकि हर मुल्क जो है वो उसकी अपनी जो है वो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वहाँ के अपने ट्रेंड्स हैं, वहाँ की अपनी रिवायात हैं, वहाँ के लोगों का सोचना, उठना, बैठना, खाना पीना वो दूसरों से डिफरेंट है। इलाके के साथ तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, लहजा भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम जापान की बात करें, उसने अब मेन्यूज दिए हमें मैकडोनल्ड के, ये वहाँ पे एबी बर्गर मेड ऑफ श्रिम्प है। ठीक है, कनाडा की बात करें, वहाँ ग्रेवी और चीज कर्ड्स है, और मोरक्को की बात करें, वहाँ पे आपके पास जो है वो ब्रेड और स्लेदर्ड मस्टर्ड है। ठीक है, और बेवरेजेस चॉइस होती है जर्मनी में, इस तरह से जो आपके पास नॉर्वे की अलग है, जापान की अलग है, मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और हांगकॉन्ग, सब की जो है अलग अलग वहाँ पे मेन्यूज दिए जा रहे हैं मैकडोनल्ड की तरफ से।
अब ये जो मैकडोनल्ड बेसिकली एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है। इसने देखा कि डिफरेंट ममालिक में जो लोग रहने वाले हैं, वहां के लोगों की पसंद क्या है, वहां के लोगों का टेस्ट क्या है, वहां के लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, वहां के लोगों की रिवायात क्या है, ठीक है, वहां के लोगों की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड ने उसके मुताबिक अपने बिजनेस को ढाल लिया, ठीक है, उसके मुताबिक अपने आप को जो है चेंज किया, अडॉप्ट किया, और मैकडोनल्ड आज कामयाब है। तो यही बात कल्चर की है कि अगर मैकडोनल्ड जो है ये जिन जितने भी ममालिक में इसने अपनी जो ब्रांचेज ओपन की हैं, अगर उन लोगों की रिवायात को, उन लोगों की सोचों को, या उन लोगों के जो बिलीव्स हैं, ठीक है, या उन लोगों का जो जिस तरह सोचते हैं उनको अगर मद्देनजर ना रखा जाता, उनकी पसंद नापसंद को ना फोकस किया जाता, तो हम सोच सकते हैं कि मैकडोनल्ड इतने मुल्कों में कामयाब हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था, ठीक है। इसी तरह से जो KFC है उसने भी इस तरह से किया। आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक में KFC है, ठीक है, और हर ममालिक में जो है, हर मुल्क में जो है, उसका जो मेन्यू है वो डिफरेंट है। वो इसी वजह से डिफरेंट है कि हर मुल्क में जो लोग रहने वाले हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी सोसाइटी अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी पसंद नापसंद अलग है। तो जहाँ पे आपने बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि वहाँ के लोगों की पसंद क्या है, वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की वैल्यूज, बिलीव्स, हर चीज को आपको देखना होगा अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसकी एक मिसाल दूंगा मैकडोनल्ड के हवाले से। बहुत वक्त पहले ना इंडिया में एक मैकडोनल्ड की ब्रांच ओपन हुई थी, ठीक है। अब वहां पे स्टार्टिंग थी, तो उसको मैनेज करने वाले लोगों ने जो है आसपास के लोगों की पसंद नापसंद को या फिर वैल्यूज को नहीं जो है वो कंसिडर किया। अब इंडिया में आपको पता है जो गाय जो है उसको वो खुदा मानते हैं, ठीक है। अब वहां पे मैकडोनल्ड में उन्होंने क्या किया, बीफ की जो प्रोडक्ट्स थी ना उनको बेचना शुरू कर दिया, बर्गर, बीफ वाले बर्गर बेचना शुरू कर दिए। तो जब इंडियंस ने देखा ये तो हमारे खुदा को पका के बर्गर में रख के बेच रहे हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि उनकी वैल्यूज के ऊपर हिट किया गया था वहां पर, ठीक है। तो जब वैल्यूज उनकी इकदार को मतलब जो है वो ठेस पहुंचाएगी, उनको उनकी वैल्यूज को हिट किया गया था इंडियंस की, जो वो गाय को खुदा मानते हैं उन लोगों की। अब उन्होंने रिएक्शन में क्या किया, उन्होंने मैकडोनल्ड की जो बिल्डिंग है सारी तबाह कर दी, ठीक है, उसको आग लगाई, व्हाटएवर क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उस बिल्डिंग को, क्योंकि वहां पे जो उनकी वैल्यूज को हिट किया जा रहा था, वहां पे उनकी जो है वो एक जो उनका इकदार है उसको ठेस पहुंचाई जा रही थी। इस वजह से मैकडोनल्ड वहां पे कामयाब नहीं हो सका। तो जहां भी आपने बिजनेस करना है तो आपको लोगों की वैल्यूज को जो है वो जहन में रखना पड़ेगा, उनकी पसंद नापसंद को देखना पड़ेगा, उनके टेस्ट को देखना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज को ठेस ना पहुंचे, उनके उनके जो यकीन है, तमाद है, जो रिवायात है, उसके मुताबिक आपको जो है अपने आप को ढालना पड़ेगा। बल्कि उनको नहीं, आपने अपने मुताबिक करना। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जो है उनके मुताबिक करना पड़ेगा, ताकि आप उनमें सराहियत कर जाए और आप अपने बिजनेस को मजीद वहां पे ग्रो कर सकें। तो ये कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप जो है बिजनेस कर रहे होते हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ। यहाँ पे हम जो है अब यहाँ पे देखें, कहते हैं जी मैकडोनल्ड अटेम्प्ट्स टू ऑफर अ रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज्ड मेन्यू वर्ल्ड वाइड बट ऑफन वेरियस ऑफरिंग्स टू सूट टेस्ट एंड इंडिविजुअल कंट्रीज, ठीक है। अब मैकडोनल्ड कहता है मैकडोनल्ड जो है वो मतलब बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में जो है वो मेन्यूज ऑफर कर रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, लेकिन वो हर जगह के हिसाब से कर रहा है, हर कंट्री में जो रहने वाले इनफरादी लोग हैं, ठीक है, उनका टेस्ट अलग है, ठीक है, उनकी पसंद नापसंद अलग है, इसलिए जो मैकडोनल्ड के मेन्यू हैं वर्ल्ड वाइड इतने ज्यादा है। वरना अगर पूरी दुनिया में एक ही सकाफत होती, एक ही निज़ाम होता, एक ही रिवायत चलती होती, तो मैकडोनल्ड को क्या जरूरत थी कि वो इतनी प्रोडक्ट्स जो है इतनी ऑफरिंग्स कर रहा होता, ठीक है। तो इतनी ऑफरिंग, इतनी प्रोडक्ट्स की जो वजह है वो यही है कि वो कल्चर डिफरेंट है, हर कंट्री के जो रहने वाले लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनकी जो पसंद नापसंद, उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम अपना क्रॉस कल्चरल रिस्क जो है उसको स्टडी करते हैं। क्रॉस कल्चरल रिस्क क्या होता है? अ सिचुएशन और इवेंट इन विच अ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग पुट सम ह्यूमन वैल्यू एट स्टेक।
एक ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जिसकी वजह से आप जो है वो ह्यूमन वैल्यू होती है वो स्टेक पे होती है। जैसे कि मैकडोनल्ड ने एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, एक मिसकंसेप्शन थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मैकडोनल्ड से इंडिया में, ठीक है। वो इवेंट, वो सिचुएशन जिसमें उसने जो है वो कल्चर को ना समझा, ठीक है, वहां के लोगों की रिवायात को ना समझा कि वो गाय की पूजा करते हैं, गाय को खुदा मानते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो इंडिया में रहने वाले लोग थे उनकी जो वैल्यूज है, जो ह्यूमन वैल्यूज है वो स्टेक पे आ गई है, ठीक है, उनकी मजहब का मसला बन गया। तो ये बेसिकली आपके इस तरह के क्रॉस कल्चरल, क्रॉस कल्चर से मुराद क्या होता है, डिफरेंट कल्चर्स है ना आपके, ठीक है, जो एरिया वाइज जो है, जो इलाका वाइज, जो कंट्री वाइज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इन कल्चर के चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस में जो रिस्क लेवल है वो बढ़ जाता है। रिस्क लेवल उस वक्त बढ़ेगा अगर आप उनके कल्चर को नहीं समझेंगे और बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप उनके कल्चर को पहले अच्छी तरह समझ लेंगे उसके बाद आप बिजनेस करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप वहां, आपका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप जहां पे बिजनेस करना चाहते हैं, जो डिफरेंट कल्चर है वहां का, उसको पहले समझें, उन लोगों की रिवायात क्या है, उन लोगों की नीड्स क्या है, लाइक्स डिसलाइक क्या है, बिलीव्स क्या है, उसके बाद जो है आप जो है अपना काम वहां स्टार्ट करें। अगर आपसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इससे उन लोगों की वैल्यूज जो है, ह्यूमन वैल्यूज जो है, वो स्टेक पे आ सकती हैं, आपका कारोबार जो है वो मतलब ग्रो नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। इसमें एक क्लाइंट, इसने एक केस भी दिया हुआ है इस बुक के स्टार्ट में जो है, चैप्टर के स्टार्ट में केस भी दिया, उसके आखिर में कहता जी, इन इंटरनेशनल बिजनेस सक्सेस रिक्वायर्स सेंसिटिविटी टू नेशनल इंटरेस्ट एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। अब एक बड़ी जामे लाइन उसने बताई है, कहता कि इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे हो तो सक्सेस जो है, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसका ताल्लुक सरासर किसके साथ है, सेंसिटिविटी टू नेशनल इंटरेस्ट एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, कि जहां पे भी आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं वहां के लोगों का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आप जो है वो स्टेक पे लें, ठीक है, इंटरेस्ट को आप सबसे पहले जो है कंसिडर करें, और वहां के लोगों की जो सकाफती एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, ठीक है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको सामने रखें, उनके नेशनल इंटरेस्ट को, उनकी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को आप जितना ज्यादा कंसिडर करेंगे उतने ही आपके सक्सेस के रेट ज्यादा हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस में। तो ये था आपका कल्चर, ठीक है, जिसमें हमने बात की कि हर कंट्री की अपनी एक बिलीव्स होते हैं, रिवायात होती हैं, कस्टम्स होते हैं, लाइक्स डिसलाइक होते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें मिलके जो हैं उनकी ह्यूमन थॉट्स होती हैं और एक खास तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें मिलके उनकी कल्चर को डिफाइन कर रही होती हैं। क्रॉस कल्चरल क्या पढ़ लिया हमने, कि यहाँ पे हम जो देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन या इवेंट होता है जिसमें कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ह्यूमन वैल्यू को स्टेक पर ले आती है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दूसरे कल्चर के हवाले से, ठीक है, अगर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वहां पे जो लोग हैं उनकी जो वैल्यूज हैं उनको आप जो है वो ठेस पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और इससे रिस्क क्या जनरेट होगा कि आपका जो बिजनेस है वो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, ये रिस्क होता है आपका क्रॉस कल्चरल रिस्क। अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे उनका निज़ाम, उनकी रिवायात, उनकी चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर जो है वो आप जो है उनके सिस्टम को भी समझ जाएंगे, और आपको पता होगा कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स चल सकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं चल सकती, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिजनेस करना वहाँ पे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं जी, क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन रुइन बिजनेस डील्स, हर्ट सेल्स और हार्म द कॉर्पोरेट इमेज। कहता है क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप दूसरी कंट्री में जो कल्चर है, जो सकाफत है, उसको नहीं समझ पाते तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, या उसकी जो सेल्स है वो हर्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपके जो कंपनी का इमेज है वो खराब हो जाएगा। अगर मैकडोनल्ड मुसलसल इंडिया में जो है वो बीफ के बर्गर बेचना शुरू कर दे तो एट द एंड क्या होगा, पूरे इंडिया से फारिग करवा दिया जाएगा उसे, क्योंकि वहां पे शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद लोग हैं,
जो कि उसको वहां पे रहने नहीं देंगे, जो गाय को अपना खुदा मानते हैं। इसलिए कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकती हैं, आपके बिजनेस को मतलब उसका सक्सेस रेट कम भी कर सकती हैं, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस को भी रिड्यूस कर सकती हैं, आपके सेल्स को भी कम कर सकती हैं, और आपकी कंपनी का इमेज भी जो है वो खराब कर सकती हैं। अब ऐसे मैनेजर्स जो कि मतलब वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वो उस हवाले से, उस इलाके के हवाले से वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको क्या एडवांटेज होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स ठीक है के हवाले से उनको बेनिफिट्स होते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के हवाले से, और इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, और उनका अपने कस्टमर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा एक इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की मिसाल को आगे ले लें, ले, रिज्यूम करें कि अगर वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो जो बिजनेस को चलाने वाला जो मैनेजर है, ठीक है, या ब्रांच को चलाने वाला, अगर वो मतलब तमाम उनके जो है रिवायात से वाकिफ है, उनकी वैल्यू से वाकिफ है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि मैंने वहाँ पे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करना है, अपनी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है, उसकी जो प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उसको मैंने कैसे करना है वहाँ पे, ठीक है, और किस तरह से कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन क्रिएट करनी है, उनके साथ रिलेशनशिप्स को बढ़ाना है, और बिजनेस पार्टनर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप करनी है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, तो जो उस चीज़ को समझ जाएंगे वो कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ पे कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएंगी वहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कल्चर क्या होता है और क्रॉस कल्चरल रिस्क क्या होता है और इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी व्हाट कल्चर इज नॉट। अभी तक हमने ये बात की कि कल्चर क्या होता है, ठीक है, हमने डिफाइन कर लिया, अब कल्चर क्या नहीं होता इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कल्चर बेसिकली ये कोई सही और गलत की बात नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि हम ये जो लोग अगर इंडिया में कर रहे हैं ये सही है और जो इंडिया के बाहर जो लोग कर रहे हैं वो मतलब वो गलत है। ये कल्चर सही और गलत का फर्क नहीं है, ये कल्चर बेसिकली क्या होती है, ये ईच कल्चर हैज इट्स ओन नोशन ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये बेसिकली एक खास जगह पे जो रहने वाले लोग हैं उनका उनका एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है जो कल्चर को शो कर रहा होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसमें राइट और रॉन्ग की बात कोई नहीं होती, ठीक है, इसमें लोगों की एक्सेप्टेंस और अनएक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है, ठीक है, इसको हम राइट और रॉन्ग में डिफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं कि इस्लामिक कल्चर जो है वहाँ पे एक जो बीवी है वो अपने खावंद को डिवोर्स नहीं दे सकती, तलाक नहीं दे सकती, ठीक है, ये हमारा इसमें है, इस्लाम में भी है, ठीक है, और कल्चर है कि बीवी जो है वो उसको वो डिवोर्स नहीं दे सकती, ठीक है। इसके बाद हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हम टर्की और जापान में बात करते हैं कि वहाँ पे जो शूज़ पहन के घर में दाखिल होना हराम है, जापान और तुर्की में एक रिवायत चल रही है कि वहाँ पे अगर आप शूज़ पहन के घर में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो ये हराम है। अब इसमें सही गलत की बात नहीं है, ये कल्चर है उनका। पाकिस्तान में आप अपने घरों में जूते पहन के घर में दाखिल नहीं होते, होते हैं दाखिल, लेकिन यहाँ पे सही और गलत की बात नहीं है, यहाँ पे कल्चर की बात है, ये पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है, आप घरों में जूतियां पहन के आ जाते हैं। अब जापान में या टर्की में जो है ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है, उनकी मोस्ट ऑफ सोसाइटी जो इस चीज़ को पसंद नहीं करती क्योंकि घर में जूते पहन के दाखिल हो, घर के बाहर ही जूते उतारते हैं और घर में फिर दाखिल होते हैं, घर में सफाई रहे, तो अब ये यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, ये बेसिकली वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी और अनएक्सेप्टेबिलिटी की बात है, ठीक है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की बात हो रही है, इसमें सही गलत की बात कोई नहीं है, ठीक है, कि लोगों की सोच की बात है, लोगों की रवैये की बात है, लोगों की एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स की बात हो रही है जो एरिया वाइज जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसमें सही गलत की बात नहीं है। कल्चर को हम ये नहीं कहते कि अगर फलां बंदा एक काम कर रहा है तो वो सही है, फलां बंदा एक काम नहीं कर रहा तो वो गलत है, ऐसे नहीं हम कह सकते, ठीक है।
इसमें कहता सेकंड इसकी जो है वो कहता जी नॉट अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, कल्चर जो होता है ना, अब व्हाट इज नॉट पे पढ़ रहे हैं कि कल्चर क्या नहीं है, ठीक है, कहता जी कल्चर इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते कल्चर जो है वो किसी एक बंदे का बिहेवियर है उसको हम कल्चर कह दें, ऐसी बात नहीं है। कल्चर डिफाइंस द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ईच सोसाइटी, ये बेसिकली पूरी सोसाइटी का एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है जिसको हम कल्चर कह रहे होते हैं। चार पांच बंदे मिलकर जो एक काम कर रहे हैं उसको हम कल्चर नहीं कह सकते, ये एक दो बंदे जो काम कर रहे हैं उसको हम कल्चर नहीं कह सकते। ये बेसिकली आपका आपकी जो सोसाइटी है, हर सोसाइटी का एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है जो वो शो कर रही होती है। जो कलेक्टिव बिहेवियर है सोसाइटी का, हर सोसाइटी का, वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअल्स ऑफन बिहेव डिफरेंटली, कहता है अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर हम एक बंदे की बात करें, वो तो जाहिर ही बात है दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अगर हम एक बंदे की बात करें तो वो तो दूसरे बंदे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इसको हम कल्चर नहीं कह सकते। कल्चर बेसिकली वो है कि जो इज्तमाही तौर पर लोगों का बिहेवियर है एक सोसाइटी में, कलेक्टिव बिहेवियर जो सोसाइटी में है उसको हम कल्चर कहेंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात उसमें क्या है जी, कि नॉट इनहेरिटेड। नॉट इनहेरिटेड से मुराद क्या होता है जी, कि ये कोई पैदा होते ही लोगों को सिखा दिया जाता, ठीक है, ये कोई पैदा होते लोगों को सिखा नहीं दिया जाता। ये बेसिकली जो है वो आप डिफरेंट जो है वो लोगों से सीखते हैं, ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, या आप अपने जो है टीचर्स वगैरह से सीखते हैं, तो ये इस तरह से जो है आप इसको लर्न कर रहे होते हैं, ठीक होगी बात। तो इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन यूजुअली लर्न टू वैल्यू इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक कल्चर चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो इंडिविजुअलिज्म जो है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बस 18 साल के बाद जो है वो, या बच्चे अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ है बच्चों की। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो मतलब फैमिली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कल्चर, ये सही गलत की बात नहीं है, ये बेसिकली जो है वहाँ का रिवाज है, वहाँ का कल्चर है। तो कल्चर इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ पास होता है कल्चर, बाय पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, पीयर्स एंड लीडर्स, ठीक है। ये पेरेंट्स की तरफ से आपको मिल सकती है चीजें, या आपको कोई टीचर सिखा सकता है, ठीक, कोई आपका मेंटर हो सकता है, कोई आपका आपके पीयर, आपका जो कोलीग है वो हो सकता है, या कोई लीडर हो सकता है। तो कहीं से भी आप ये चीजें सीख सकते हैं। तो मेन बात क्या है, नो वन इज बॉर्न विद अ शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कोई भी जो है ये तमाम चीजें लेकर पैदा नहीं होता। वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपनी सोसाइटी से जहाँ पे वो रह रहा होता है उनसे सीख रहा होता है, किसी न किसी बंदे से सीखता है वो। तो इसमें जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया आपका, उसका बड़ा रोल है। आजकल जो मीडिया चल रहा है आपका, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है ये कल्चर को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, कल्चर को डेवलप करने में उसने बड़ा अपना रोल प्ले किया है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं कि कल्चर क्या, अभी तक हमने कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी है, क्रॉस कल्चर क्या होता है और उससे क्या रिस्क होते हैं बिजनेस को, और कल्चर क्या नहीं है, ये बेसिकली सही और गलत की बात नहीं, पहली बात हमने ये की। दूसरी बात ये है कि ये किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात नहीं होती, ये कलेक्टिव बिहेवियर की बात होती है, ठीक है। तीसरी बात हमने की नॉट इनहेरिटेड, ये बेसिकली आप जो है जब पैदा होते हैं तो ये सारी वैल्यूज जो है एटीट्यूड लेकर पैदा नहीं होते, ये बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है डिफरेंट लोगों से इसको सीख रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट हम दो मजीद इसमें कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, सोशलाइजेशन एंड एक्लुट्रेशन। एक्लुट्रेशन और सोशलाइजेशन दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इनको हम साइड बाय साइड जो है समझेंगे। अब इसमें देखें सबसे पहले कि जी कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रूल्स एंड बिहेवियर्स पैटर्न्स अप्रोप्रिएट टू वन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। इसमें बात क्या करता है जी कि वो तमाम रूल्स, वो तमाम बिहेवियर्स, पैटर्न्स जो कि एक सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट क्या होते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, उनको सीखना, उनको सीखना क्या होता है, सोशलाइजेशन।
एक सोसाइटी में खास किस्म के रूल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जो उस सोसाइटी के लिए बेहतर है, ठीक है, उनको सीखना क्या है, सोशलाइजेशन कहलाता है। अब आपको पता है कि हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, वो कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं, उनकी अपनी तवक्कुआत होती हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, और बिहेवियर पर्टिकुलरली ऑफ चिल्ड्रन एज दे मेच्योर, ये चीजें जो है बच्चे भी सीखते हैं जिस तरह वो मेच्योर होते जाते हैं। कहते हैं फेलिंग टू फॉलो द सोसाइटी रूल्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग व्हाट द रूल्स आर, ठीक है, अगर आप किसी सोसाइटी के रूल को नहीं समझ रहे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है मतलब वहां पे जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और एट दैट आपको फेलियर का सामना होगा, और फेलियर से मुराद क्या है कि आप फिर जो है फेल होने के बाद जो है फिर रूल्स को सीखेंगे कि अगर वहां पे आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर सोसाइटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने बिहेवियर्स होते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। तो एक सोसाइटी के लिए सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सोसाइटी में जो रूल्स हैं और जो बिहेवियर्स के पैटर्न्स हैं जो उस सोसाइटी के लिए बेहतर हैं, उनको सीखना जो है, किसी भी सोसाइटी के लिए जो रूल्स हैं, किसी भी सोसाइटी के जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो उस सोसाइटी के लिए बेहतर हैं, उनको सीखना जो है वो क्या है, सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और कंट्री के जो है मतलब रूल्स और बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं कि जो वहां पे इम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है, उनको जो उनकी जो आप लर्निंग कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, सोशलाइजेशन। अब अगर आप ये इस चीज पे फोकस करेंगे तो फिर आप वहां पे बिजनेस भी कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप उनके सिस्टम को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी जो है वो सोशलाइजेशन होती है आपकी। नेक्स्ट, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है जी, एक्यूट्रेशन होता है आपका। ये बेसिकली क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जाके उनको अपने आप को जो है वो दूसरे मुल्कों के कल्चर के मुताबिक ढालना पड़ता है। तो पहली तो हमने बात की थी कि दूसरे मुल्कों में जो रूल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, और उनको लर्न किया जाए, उनको सीखा जाए, ये सोशलाइजेशन है, ठीक है। और अकल्ट्रेशन क्या होती थी, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एंड अडॉप्टिंग टू अ कल्चर अदर देन ऑन्स वन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप दूसरे कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसा कमाने के लिए दुबई चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप पैसा कमाने के लिए यूके चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप पैसा कमाने के लिए अमेरिका चले गए, ठीक है। अब जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे, किसी दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, किसी दूसरे कल्चर का हिस्सा बनेंगे, तो आपको उसके कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप पैसा कमाने के लिए जापान चले गए, अब वहां पे हलाल फूड बहुत अक्सर नहीं होता, तो आपको उस सोसाइटी के मुताबिक अपने आप को जो है वो सरवाइव करने के लिए कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, अपने आप को उस कल्चर में ढालना पड़ेगा। ढालने का मतलब ये नहीं कि आप हराम खाना शुरू कर दें वहां, ठीक है, मतलब उसकी जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, उसके मुताबिक आपको अपने आप को एडजस्ट किसी ना किसी तरीके से वहां अपनी जगह बनानी पड़ेगी अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं। तो किसी दूसरे कल्चर को जो है अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम अकल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, इसमें आप दूसरे के कल्चर को, उसके कल्चर के रूल्स को, बिहेवियर्स को लर्न कर रहे होते हैं, किसी दूसरे कंट्री का जो कल्चर है, ठीक है, सोसाइटी का जो कल्चर है, उस उनके रूल्स को, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को जो वहां के लिए अप्रोप्रिएट है, वहां के लिए सही है, उनको जो लर्निंग करनी है, उनकी जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो आपका सोशलाइजेशन है। और अडॉप्ट करने वाला जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है लर्न करना रूल्स और बिहेवियर्स को, एक प्रोसेस है बिल्कुल अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। जैसा कि इट इट इज कॉमनली एक्सपीरियंस बाय द पीपल हु लिव इन अदर कंट्रीज, ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत सारे वक्त 10-20 साल के लिए एक बंदा जो है दूसरे मुल्क में चला जाता है, तो वहां के जो कल्चर है, वहां के जो नॉर्म्स है, वहां के जो ट्रेडिशंस है, उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, ठीक है, आपको उस नए कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो अडॉप्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं जी अकल्ट्रेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।